दोस्तों, अशांत मन में प्रश्नों की अधिकता रहती है। प्रश्नों की वजह से हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। हम सोचते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। ऐसी स्थिति में कुछ मौन हो जाना, मौन रहकर हालात समझेंगे तो मन को शांति मिल सकती है। इस संबंध में दोस्तों गौतम बुद्ध का एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही अच्छी एक कहानी प्रचलित है, वो आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। दरअसल दोस्तों, प्रचलित प्रसंग के अनुसार गौतम बुद्ध रोज अपने शिष्यों को उपदेश देते थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने शिष्यों के साथ साथ अन्य लोग भी पहुंचते थे। एक दिन जब बुद्ध प्रवचन दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति पहुंचा और वह बोला कि तथागत, मैं आपसे बहुत सारे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मेरा मन बहुत अशांत है, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दे ताकि मेरा मन शांत हो सके। बुद्ध ने उसे कहा कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक साल तक मौन धारण करना होगा। एक साल के बाद तुम जो भी पूछोगे तुम्हें उसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा कि एक साल बाद आप मेरे प्रश्नों के अवश्य उत्तर देंगे ना। बुद्ध ने कहा कि हाँ, मैं अपनी बात पर पक्का हूँ, तुम्हें सारे प्रश्नों के जवाब दूंगा, लेकिन एक साल के बाद। बुद्ध की बात मानकर उस व्यक्ति ने मौन व्रत धारण कर लिया। धीरे धीरे वह मौन की वजह से उसका मन एकाग्र होने लगा, वह ध्यान में उतरने लगा, मन भी शांत होने लगा, उसके सभी प्रश्न खत्म होने लगे। एक साल बीत गया। समय पूरा होने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि अब तुम अपने सभी प्रश्न मुझसे पूछ सकते हो। ये बात सुनकर वह व्यक्ति हंसा और कहा कि एक साल पहले मेरे मन में कई प्रश्न थे, लेकिन अब सारे प्रश्न शांत हो गए हैं। अब मेरे पास आपसे पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि जब तक हमारा मन शांत नहीं है, मन में ढेरों प्रश्न उठते रहते हैं, उसकी परेशानियां बनी रहती है। अज्ञान और भ्रम की वजह से हमारा मन प्रश्नों के उत्तर तक पहुंच ही नहीं पाता है। कुछ समय मौन धारण करके, सोचने और ध्यान को एकाग्रित करके हम हालातों को समझेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही हमें मिलने लगेंगे। दोस्तों, मन जब शांत होता है तो सभी प्रश्न भी खत्म हो जाते हैं, सारी चीजें हम आसानी से समझने लगते हैं और जीवन में सुख शांति मिल जाती है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।